घरेलू उपाय में आपका स्वागत है। मोर पंख में अद्भुत शक्तियाँ पाई जाती हैं और इसे अगर अपने घर में रखते हैं तो कुछ जो आपके घर में आने वाली कुछ खास परेशानियाँ हैं जिससे आप निजात पा सकते हैं। ऐसे ही कुछ खास बातों मोर पंख की कुछ खास बातों बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं कि मोर का पंख हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर जीवन को खुशहाल बना देता है। देवराज इंद्र को मोर का पंख का सिंहासन भाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मुकुट पर मोर पंख को सजाया। यहाँ तक कि पौराणिक काल में महर्षियों ने मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। इन उदाहरणों से साबित होता है कि मोर का पंख हमारे लिए कितना पवित्र और महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही भारत मोर के पंखों का इस्तेमाल कई तरह के कामों में करता है। मोर के पंख के कुछ खास ऐसे ही उपाय बताएंगे जिससे आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। मोर पंख में अद्भुत शक्तियां होती हैं। इसकी शक्ति के चमत्कार से खुद भगवान भी अभिभूत रहे हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस जगह मोर पंख होता है वहां बुरी शक्तियां आसपास भी नहीं भटक सकती। जी हाँ, मोर का पंख किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों के प्रतिकूल चीजों से प्रभाव से बचाकर रखने की क्षमता रखता है। इसलिए मोर के पंख को घर में रखना चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना होगा। मोर के पंख का इस्तेमाल करके भूत बाधा नजर दोष रोग मुक्ति ग्रह दोष वास्तु दोष जैसी समस्याओं से हम हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। मोर का पंख पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक होता है। स्टूडेंट्स पुस्तक के बीच अभिमंत्रित मोर का पंख रख कर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा मंत्र सिद्धि के लिए जपने वाली माला को मोर के पंख के बीच रखना चाहिए। नव ग्रहों की खराब दशा में से बचने के लिए भी मोर का पंख आपकी मदद कर सकता है। घर में अलग अलग स्थान पर मोर का पंख रखने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। मोर के पंख का उपयोग रोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। मोर के पंख से तपेदिक दमा लकवा नजला तथा बांझपन जैसे रोग का इलाज किया जा सकता है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख लगने से घर में बरकत होने लगती है। घर से सदस्यों की अचानक से आने वाली किसी भी कष्ट से रक्षा होती है। घर में हर परेशानी दूर होती है। मोर के पंख और सांप की दुश्मनी है, इसलिए मोर का पंख घर में रखने से सांप घर में प्रवेश नहीं करता। इसके अलावा मोर का पंख घर के पूर्व और उत्तर पश्चिम दीवार में लगाने से राहु का दोष भी नहीं परेशान करता है। मोर का एक पंख किसी मंदिर के राधा कृष्ण की मूर्ति के मुकुट में 40 दिन तक के लिए स्थापित करें। हर रोज शाम को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं, फिर 41वें दिन उसे मोर के पंख को मंदिर से घर लाकर अपने लॉकर में रखें। आप खुद महसूस करेंगे कि घर में सुख शांति और धन में वृद्धि होने लगेगी। कालसर्प दोष को भी दूर करने की इस मोर के पंख में अद्भुत क्षमता है। कालसर्प वाले व्यक्ति को अपने तकिए के खोल के अंदर 7 मोर के पंख सोमवार की रात को रखना चाहिए और उसे तकिए पर सोना चाहिए। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं तो मोर के पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मंगलवार या फिर शनिवार को
उसका नाम लिखकर अपने घर के मंदिर में रात भर रखें। अगली सुबह उठकर बगैर नहाए उसे चलते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका शत्रु भी आपसे मित्रता का व्यवहार करने लगेगा। अगर घर में कोई बच्चा जिद्दी हो तो मोर के पंख से बच्चे को हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगेगी। मोर के पंख को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिर के पास रखने से बच्चे की नज़रदोज और किसी भी तरह की अलाबला से रक्षा होती है। तो दोस्तों, ये थे मोर के पंख के कुछ अद्भुत शक्तियों के बारे में। और घर में अगर इसे सजा के रखते हैं तो इससे कुछ परेशानियों से निजात मिलती है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। मैं आशा करता हूँ कि आप मोर के पंख से मिलने वाले लाभ का जरूर उठाएंगे और इसका इस्तेमाल अपने घर में जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके आगे आने वाले इस चैनल पर आगे आने वाले वीडियो के प्राप्त होते रहें और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।